नमस्कार दोस्तों, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3D फोटो ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बड़े ही आसानी से 3D फोटो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल संसार सागर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल संसार सागर है, यहाँ पर सब्सक्राइब का यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे और हमारा और आपका संपर्क बना रहेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कैसे आप अपने मोबाइल से 3D फोटो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है मोबाइल। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ये प्ले स्टोर यहाँ पर टच कीजिए। जैसे आप टच करते हैं और यहाँ ऊपर सर दिया गया है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए फोजी। फोजी टाइप करने के बाद आप ये इसका आइकॉन देख रहे हैं। सबसे पहले ये फोजी 3D कैमरा, इसका आइकॉन ये दिया गया है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, इसका आइकॉन ये आप देख सकते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन है 4G का, इस पर आप टच कीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर टेक 4G गैलरी सेटिंग और बाय प्रो, जब आप प्रो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि 3D इमेज कैसे आती है और कैसे देखने में लगती है। ये एक 3D इमेज है। देखिए, जब आप अपने मोबाइल को हिलाते हैं तो ये इमेज ऐसे दिखाई देती है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल को मूव करेंगे आपको इमेज भी 3D में दिखाई देगी मूव करते हुए। ये 3D फोटो है। जब आप फोटो खींचेंगे तो आपकी इमेज भी कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। चलिए देखते हैं। इसके लिए ये ऊपर टेक 4G दिया गया है, यहाँ पर आप टच कीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
इसमें सबसे पहले आप जिस ऑब्जेक्ट की फोटो लेना चाहते हैं या जिसकी भी फोटो लेना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। फिर ये जो ऊपर तरीका बताया गया है इस तरीके से आपको फोटो लेना है, यानी कि अगर ये आपका कैमरा है तो आप जब फोटो लेंगे तो उसको इस तरीके से राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए चाहिए। ये डायरेक्शन सही है, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब आप फोटो ले लेंगे तो आप इस तरह से हैंड अपने मोबाइल को हैंड पर लेके इस तरीके से मूव कीजिए तो आपको ये फोटो जो है 3D इमेज दिखाई देगी, इस तरीके से हिलती हुई दिखाई देगी और 3D में दिखाई देगी। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक फोटो खींच कर बताता हूँ। ये भगवान गणेश जी हैं, इनकी मैं फोटो लेता हूँ। जितने अच्छी तरीके से सफाई से आप फोटो लेंगे वो उतने अच्छे से आएगी। देखिए मैंने यहाँ नीचे जो कैमरे का आइकन दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फोटो खींचते राइट डायरेक्शन में आपको देना है। देखते ये प्रोसेस चल रही है। देखिए फोटो आपने ले ली है और जब आप फोटो ले लेंगे तो आपको फोटो जो है इस तरह से दिखाई देगी। आप जितनी अच्छी तरीके से फोटो को लेंगे फोटो उतनी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी। मैं अपने मोबाइल को जो है मूव कर रहा हूँ, ये फोटो भी मूव हो रही है। ठीक है, ये जो है 3D इमेज आप इस तरीके से बना सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका संपर्क बना रहे और मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।